वेलकम बैक टू सुनिष्ठा फाउंडेशन। हमारे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कुछ बेसिक टर्म से रिलेटेड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि भविष्य में आने वाली हमारी जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये चार बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में आज हमारी वीडियो है। यहाँ पे हम डेफिनेशन की तरफ नहीं जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, ऐसे डिवाइसेस होते हैं, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, जो डाटा है या फिर जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। मतलब एक यूज़र इनपुट डिवाइस का यूज़ करके क्या करेगा, इस डाटा और इंस्ट्रक्शन किसको देगा, कंप्यूटर को देगा। ये जो डिवाइसेस है वो एक यूज़र को क्या करते हैं, इनेबल, मतलब इतना सक्षम बनाते हैं कि वो क्या कर सके, इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी कमांड दे सके कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर क्या कर सके, आगे प्रोसेस कर सके। यहाँ पे हमारे पास कुछ अगर नॉर्मल हम बेसिक डिवाइस देखें इनपुट डिवाइसेस में, तो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगा वो क्या है, कीबोर्ड और माउस। इसी टाइप से और भी काफ़ी सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर डिवाइसेस होते हैं वो यही दो होते हैं, कीबोर्ड और माउस। अब आते हैं हम हमारी सेकंड टर्म के ऊपर, दैट इज़ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है इनपुट डिवाइस के। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, ये हमें क्या है, ये यूज़र को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाता है। मतलब जो भी डाटा है, जो भी रिजल्ट निकलेगा वो किसे रिसीव होगा, यूज़र को रिसीव होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी है, मतलब इनपुट डिवाइस के हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शंस दी है, आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के द्वारा क्या करेगा, पर्टिकुलर फॉर्मेट में यूज़र को प्रोवाइड करवाएगा। जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो क्या करते हैं, या तो जैसे कोई रिजल्ट हो गया उसको प्रोसेस करते हैं, या फिर कुछ इमेजेस के द्वारा हमें कुछ दिखाते हैं, या फिर कुछ साउंड्स वगैरह के द्वारा हमें कुछ बताते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन आउटपुट डिवाइस अगर आपको देखने को मिलेंगे तो वो है मॉनिटर और प्रिंटर। ये जो है सबसे मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर देखने को मिलते हैं। अभी हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है, अब आते हैं हम हार्डवेयर के ऊपर। हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स, मतलब जो एक सॉलिड कंपोनेंट्स है जिनको देखा जा सकता है, जिनको महसूस किया जा सकता है या फिर जिनको छुआ जा सकता है। ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म यूज होती है, दैट इज टेंजिबल पार्ट्स, मीन्स जिनको जो महसूस किए जा सकते हैं, जो छुए जा सकते हैं, टेंजिबल जो हमें दिखते हैं, ठीक है। ऐसे जो पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। इसके साथ साथ हार्डवेयर एक और काम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर सॉफ्टवेयर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसको कैरी करने के काम भी, उसको मतलब अपने साथ ले जाने के काम भी में कौन यूज़ होता है, हार्डवेयर। अगर आप हार्डवेयर के अंदर देखोगे तो हार्डवेयर के अंदर हमारे पास डिवाइसेस कैसे हो गए, जैसे मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, ये सारे क्या है, हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। अब देखो सॉफ्टवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, जस्ट एक प्रोग्राम है या एक डाटा या एक इंस्ट्रक्शन जो क्या करता है, हार्डवेयर को कुछ ना कुछ बताता है कि क्या चीज़ कैसे करे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये जो होते हैं इनटेंजिबल, मतलब ये हमें महसूस होते हैं, हम इन्हें महसूस कर सकते हैं लेकिन हम इन्हें छू नहीं सकते, ठीक है। ऐसे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे लाइक विंडो हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पेंट हो गया या MS ऑफिस हो गया, ये क्या हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरीज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लाइक विंडो 7, विंडो XP, ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। या फिर हम कह सकते हैं जो डिवाइस के जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, मतलब जो बेसिक प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो क्या करते हैं, हार्डवेयर को कोई भी काम करने के लिए इनेबल, सक्षम बनाते हैं, और जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उनको रन कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मीन्स इनडायरेक्टली हम ये बात कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हमें जिन सॉफ्टवेयर की यूज़ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर हम एग्जांपल लें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया,
मैक ओएस हो गया, लिनक्स होगी, या फिर जो एंड्रॉयड का जो वर्जन होता है वो सारे के सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर सिंपल एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं। मींस ये एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या है, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, मतलब कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं, मतलब पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डलेगा, उसके बाद क्या है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डलेंगे। ये यूज़र को अलाउ करते हैं कि कोई अगर पर्टिकुलरली एक्टिविटी करनी हो, लाइक अगर हमारे को कोई डॉक्यूमेंट लिखना हो, हमें इंटरनेट चलाना हो, या फिर हमें कोई फोटो एडिट करनी है, या हमें गेम खेलनी है, तो उन वो क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप एग्जांपल में देखोगे तो लाइक गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, या एडोब फोटोशॉप जो हो गया, वो सारे के सारे क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंक्लूजन निकालें तो हमारे पास क्या है, छोटे शब्दों में क्या बात आएगी कि जो हार्डवेयर है वो क्या है, फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और जब जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होते हैं, प्रोग्राम या डाटा होते हैं जो इनेबल करते हैं हार्डवेयर को कि वो कोई काम कर सके।